केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को चिंतपूर्णी पहुंचे तो बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत फूलमालाओं से किया। दरअसल अनुराग ठाकुर बीजेपी के जनसंपर्क से जन समर्थन अभियान के तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। आपको बता दें कि इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सुनिए केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए और क्या कुछ कहा। 9 वर्षों की पहचान सेवा समर्थन और गरीब कल्याण, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, ये मोदी जी ने 9 वर्षों में करके दिखाया है। गरीबों के जीवन में एक बड़ा बदलाव, पक्के मकान से लेके पानी की सुविधा, शौचालय से लेके रसोई गैस का सिलेंडर, ये पहले नहीं था, ये करके दिया है। और जो कभी सोचा ना था, पिछले 9 सालों 7 नए IIT, 7 नए IIM, 390 विश्वविद्यालय और लगभग 70,000 नई MBBS की सीटें। आज गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है, ये हमारी सरकार ने करवाई। वहीं प्रदेश कांग्रेस सरकार के मंत्रियों द्वारा केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल की सरकार को हजारों करोड़ रुपए की मदद उपलब्ध करवाई है। बेहतर होगा यदि राज्य सरकार ने उस राशि को सही जगह पर खर्च किया होता। राज्य की सरकार अगर इसके ऊपर प्रयास करे कि केंद्र ने जो हजारों करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को दिए उसका धन्यवाद तो करे ही, उसको सही दिशा में खर्च करवाने का कार्य भी करे, सही समय पर करवाए, तेजी से करवाए, तो शायद ज़्यादा लाभ मिलेगा। केवल टीका टिप्पणी करना राज्य सरकार के कुछ मंत्रियों की आदत बन गई है और ये राज्य और राज्य की सरकार के हित में नहीं है। केंद्र सरकार ने बिना भेदभाव, जब वीरभद्र जी की सरकार भी थी, वीरभद्र जी ने जब जो मांगा, हजारों करोड़ रुपये की परियोजना उस समय भी थी, आर्थिक मदद भी दी 14वें वित्त आयोग में, और जयराम जी की सरकार के समय भी दिल खोलकर केंद्र की सरकार से सहयोग मिला। केंद्र कभी भेदभाव नहीं करता। बहरहाल जैसे जैसे देश में आम चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां लगातार जनसंपर्क अभियान कर रही हैं। केंद्र सरकार को 9 साल पूरे हो गए, ऐसे में मोदी सरकार के आला नेता और मंत्री लगातार जनता के बीच जाकर अपनी उपलब्धियों को बता रहे हैं और गिना रहे हैं। सूर्य समाचार के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।